अब मोदी जी लॉन्ग लाइफ के लिए सोच रहे हैं, इसलिए मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी और मोदी चाहते हैं इधर आइए, और आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी काम कर रहे हैं, पहला काम किए रेलवे प्राइवेट किए, दूसरे काम किए एयरपोर्ट बेच रहे हैं, तीसरा अब जो बंदा बड़े होता है ना तो धीरे धीरे अपना वो बिजनेस बढ़ाता है। तो पहले शुरू में चाय से स्टार्ट किए, अब रेलवे बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, LIC बेचेंगे, अब दिन प्रतिदिन कुछ दिन के बाद ना देश बेच देंगे, कहानी खत्म। हम 50 बंदे लेबरी योग तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, तुम उन्हें लेबरी दिला दो, सरकारी की तो बात छोड़ दो। दिखा भैया दिखा, आपके पास कहीं कंट्रैक्टिंग का काम चल रहा है? लेबर लेबर जो पड़े हुए लगा देंगे वहाँ, नहीं करता है वो लेबर का ही काम करता है, लेबर का ही काम करता है, लेबर का ही काम। कंपटीशन में बैठो, आगे पढ़ो। पर देने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पर एक आदमी से जवाब लिया जाएगा और एक आदमी जवाब देगा, काम करेगा और देश विकास करेगा। ये हम कॉन्ट्रैक्ट पर देके दूसरे से हम जवाब लेंगे, और खुद जो सरकार में बैठे हम कब जवाब देंगे? जिसके पास सत्ता है वो जवाब देगा कि विपक्ष जवाब देगा, मतलब जवाब सरकार ही देगी। देश बिक रहा था जो है ना, खाली ये घंटा डोलाने वाला बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के सरकार में खाली घंटा डोलाने वाला बढ़ेंगे, बेरोजगार इतिहास को कोई नहीं बढ़ेगा। देख खाली जो जैसा रहेगा ना, अब चोर तो चोरे पैदा करेगा ना, अच्छा इंसान तो पैदा कर नहीं सकता है ना। रुकिए एक मिनट, चाचा भागे 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 भागे, कोई नहीं है, परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी आएंगे? फिर मोदी जी आएंगे। क्या मुद्दा क्या होगा 2024 में? मुद्दा ये होगा कि मट्टी खोद के सोना उगाएंगे। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। मट्टी सर कैसे मट्टी खोद के सोना उगेगा? मेहनत करेंगे, इतना दिन से मेहनत नहीं चल रहा। मट्टी में मेहनत करते हैं तो सोना उगाते हैं, वो काम मोदी जी करेंगे। अच्छा हाँ, और कोई टक्कर में नहीं है, आने वाला भी नहीं। सर क्यों ये विपक्ष जो है मोदी जी के आगे फेल हो जा रहा है और ऐसे कह रहा है बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा काम में नहीं आता है, बीजेपी धुआंधार जीत रही है। धुआंधार जीत रही है कि मोदी जी काम कर रहे हैं देश के अंदर, ये जो विपक्ष है वो तत्काल सोच रही है कि फायदा हो हमें, अब मोदी जी लॉन्ग लाइफ के लिए सोच रहे हैं, इसलिए मोदी जी जीतेंगे। मोदी और मोदी और आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी काम कर रहे हैं, पहला काम किए रेलवे प्राइवेट किए, दूसरे काम किए एयरपोर्ट बेच रहे हैं, तीसरा मतलब कि जो शुरू में तो पहले चाय बेचे, सुनिए पहले तो शुरू में चाय बेचे, अब जो बंदा बड़े होता है ना तो धीरे धीरे अपना वो बिजनेस बढ़ाता है। तो पहले शुरू में चाय से स्टार्ट किए, अब रेलवे बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, LIC बेचेंगे, अब दिन प्रतिदिन कुछ दिन के बाद ना देश बेच देंगे, कहानी खत्म। हाँ सर ये कह रहे हैं देश बेच रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हैं, वो देश बेच नहीं रहे हैं, ऐसे कहा हुआ लोग सुन लेते हैं, देश बिक नहीं रहा है, देश विकास कर रहा है। नहीं देखिए देश आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे देने का मतलब भाड़ा पर देना, अगर आपसे नहीं चलता है तो आप हट जाइए ना, क्यों दे भाड़ा पे, क्यों दे रहे हैं भाड़े पे, क्यों चलवा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है ना, हमसे नहीं चला तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दे। इनके कहने का मतलब है कि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, सब चीज प्राइवेट है तो सरकार की क्या, सरकार की जरूरत क्या है? बस जब प्राइवेट नहीं है, सरकार खत्म करना चाहिए, सरकार के प्राइवेट कर देना चाहिए, एक किसी के हाथ में बेच देना चाहिए और उससे कहा जाए कि भाई साहब हमारे यहाँ की जो जरूरत है वो, नहीं ऐसा ही होना चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं है होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर भाई पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट पर देने का मतलब यह है कि एक आदमी जवाब देगा, बाकी सब प्राइवेट रहेगा और सरकार सरकार। चाचा का बात सुन लीजिए चाचा, कॉन्ट्रैक्ट पर देने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पर एक आदमी से जवाब लिया जाएगा और एक आदमी जवाब देगा, काम करेगा और देश विकास करेगा। ये हम कॉन्ट्रैक्ट पर दे के दूसरे से हम जवाब लेंगे, और खुद जो सरकार में बैठे हम कब जवाब देंगे? जिसके पास सत्ता है वो जवाब देगा कि विपक्ष जवाब देगा, मतलब जवाब सरकार ही देगी। देश बिक रहा था, अब देश में काम हो रहा है, विपक्ष देख करके डर रहा है, विपक्ष से आक्रमण कर रहा है और मोदी जी घुमाइए मत, जो चीज है कॉन्ट्रैक्ट पर इसलिए दिया जा रहा है।
ये लोग युवा है कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या बेरोजगारी नहीं है इस देश में, जो पढ़ रहा है लिख रहा है उसको नौकरियां मिल रही है, जो मेहनत कर रहा है। देखिए चाचा कह रहे हैं जो जिस योग्य पढ़ाई किया है उसको उस योग्य सैलरी पेमेंट आज भी मिल रहा है, चाचा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे पास यहाँ अभी हम 50 बंदे लेबरी योग्य तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, तुम उन्हें लेबरी दिला दो, सरकारी की तो बात छोड़ दो। हाँ भैया आपके पास कई कंट्रक्टर का काम चल रहा है, लेबर जो पड़े हुए लगा देंगे वहाँ, नहीं करता है वो लेबर का ही काम करता है, लेबर का ही काम लेबर का ही काम। कंपटीशन में बैठो, आगे पढ़ो, कंपटीशन में कंट्रक्शन वाले के आओ, आगे बढ़ो, क्या चीज़ें बढ़ो, और उसके बाद अपना अपना स्थान लो। मैं गाड़ी चलाता हूँ, उसे छोड़ दूंगा, कल से तुम्हारे पास काम करूंगा, चलो आ जाओ। जब पढ़ा लिखा नहीं है वो गाड़ी ही चलाता है, पढ़ा लिखा है वो गाड़ी चलाता है, ये भी वो अपना स्थान पोस्ट मिलता है और वो अपने पोस्ट पर काम करता है। वाले हमें दिखा दो कहाँ पे पोस्ट पे है, वो भी दिखा दो आपके पास, हर जगह कंपटीशन में बैठो, आप टक्कर लेके आओ, कंपटीशन भी आया तभी तो बैठूंगा, 4 साल के बाद आई है, 4 साल के बाद अब मान लो उम्र ही खत्म हो जा रहा है तो बंदा कंपटीशन में बैठेगा कहाँ से। पुलिस की उसमें 3 साल की छूट मिली हो जाती, 3 साल की छूट नहीं, अगर मान लो हमारा 3 साल उतना उम्र ही पार हो जा रहा है जिस बंदे का, वो बंदा कहाँ जाएगा अभी ये बताओ। ये मोदी जी है ना, खाली ये घंटा डोलाने वाला बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के सरकार में खाली घंटा डोलाने वाला बढ़ेंगे, बेरोजगार यहाँ से कोई नहीं बढ़ेगा, देख खाली जो जैसा रहेगा ना, अब चोर तो चोरे पैदा करेगा ना, अच्छा इंसान तो पैदा कर नहीं सकता है ना। रुकिए एक मिनट, चाचा भाग गए नहीं है भाई, आ जाइए हाँ, लड़के कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी कब नहीं था, किसके सरकार में रोजगार था, पीछे भी सरकार चलाई है देश को, तो उस टाइम भी तो रोजगार नहीं था, उस टाइम भी तो बेरोजगारी था।